सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। आई होप तुसीं सारे जणे ठीक होवोगे। तखत सचखंड श्री हयूर साहब तो हर रोज़ सवेरे 9 बजे बसां चलदियां हन, जो कि हर रोज़ सवेरे हयूर साहब दे नेड़े जिन्ने भी गुरद्वारे साहिबान हन उन्हां दे दर्शन करवाउंदियां हन। तुसीं सवेर नूं 7 बजे इस बस सर्विस की बुकिंग करवा सकते हो। इस टिकट की बुकिंग पार्किंग एरिए विच हुंदी है। यह बसा शाम नूं 5 बजे तक वापस हयूर साहब आ जांदियां हन। संगतां नाम जपदियां हुई गुरद्वारा दमदमा साहब बसमत नगर विच पहुंचियां। इस गुरद्वारे का इतिहास कुछ इस तरह है। कलगीधर पिता दो जहान के मालक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों पंजाब की धरती तो चल के राजस्थान पहुँचे, उपरंत दक्षण देश विच पहुँचे, तो सतगुर जी बुरहानपुर हुंदे हुए सन 1707 विच बसमत नगर पहुँचे। बसमत नगर एक खुली एकांत अते सुंदर थां वेख के गुरु जी ने डेरा ला दिता। फुलां फलां अते बगीचे बाग गुरु साहब नूं बहुत प्यारे लगे। गुरु जी ने इस करके इस पवित्र नगर विच 8 दिन विश्राम किया। संगतां गुरु जी दा बसमत नगर आना सुन के दूर दूर तो दर्शनां लई आउंदियां अते भेटा चढ़ा के सतगुर दियां खुशियां लैंदियां। 8 दिन का पड़ा करके सतगुर जी बसमत नगर तो नदेड़ साहब गए, जिथे अज तखत सचखंड श्री हयूर अबचल नगर साहब शोभा पा रहा है। बसमत नगर विखे गुरु जी की याद में यह गुरद्वारा दमदमा साहब नाँ का अस्थान है। इत्थे चाह ते छोलियां का प्रसाद मिलता है। संगतां बहुत ही श्रद्धा भाव नाल सेवा करदियां हन ते लंगर छकदियां हन। इस तों बाद असी गुरद्वारा माल टिकड़ी साहब दर्शन लई पहुंचे। इस गुरद्वारे का पुरातन नाम चक्री मालवी दसिया जाता है। इत्थे 10वें पातशाह जी ने ग्रखी गुप्त माया कढ़वा के गुरद्वारा संगत साहब के अस्थान ते फौजां विच तकसीम की। दसिया जाता है कि गुरु जी ने इत्थे भविख प्रति बचन भी उचारिया कि साडा इत्थे काफ़ी खजाना पिया है, जदों खालसे की गिनती 96 करोड़ हो जाएगी तो इत्थे की माया नाल खालसे विच अतुट लंगर वरताया जाएगा। फिर इस तों बाद असी गुरद्वारा हीराघाट साहब दर्शन लई पहुंचे। इस गुरद्वारे का इतिहास तुसी वीडियो नूं स्टॉप करके इत्थों पढ़ सकते हो। इस गुरद्वारे के दर्शन करके असी गुरद्वारा माता साहब देवा जी पहुँचे। माता साहब कौर जी नूं खालसे की माता कहा जाता है। इत्थे माता जी गुरु जी नूं भोजन छकाया करते सन। इस गुरद्वारा साहब के थले एक पुरातन चक्की भी पई हुई है, जिस विच माता जी आटा पीसते सन। इत्थे संगत दर्शन करके लंगर छक सकदियां हन। गुरुद्वारे के दर्शन करने तो बाद असी गुरुद्वारा शिकार घाट साहब दर्शन लई पहुंचे। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने मूले खत्री का उदार किया सी। गुरुद्वारे विच बहुत ही सुंदर सरोवर है। संगतां इत्थे सरोवर विच इशनान करदियां हन। गुरुद्वारा साहब दे बाहर दुकानां हन जिथे बहुत ही स्वाद पापड़ मिलते हैं। बच्चे बहुत ही खुश हो के इस पापड़ नूं खांदे हन। फिर असी इस गुरुद्वारे के दर्शन करन तो बाद गुरुद्वारा संगत साहब जी दर्शन करन लई पहुंचे। जेड़ा खजाना गुरु जी ने माल टेकड़ी साहब तो मंगवाया सी, वह खजाना गुरु जी ने इस ढाल विच पा के खालसे नूं वंडिया सी। इस गुरुद्वारे के दर्शन करके असी गुरुद्वारा बाबा बंदा घाट साहब, नगीना घाट साहब अते भजनगढ़ साहब गुरुद्वारे के भी दर्शन किए। यह गुरुद्वारे बिल्कुल नाल नाल हन अते गुरुद्वारा लंगर साहब के नज़दीक हैं। इन्हां गुरुद्वारा साहब दे पिछली साइड गोदावरी नदी है।
सारे गुरुद्वारों के दर्शन करने तो बाद धन धन बाबा बुढ़ा जी एन आर आई यात्री निवास में आ गए जो कि गुरुद्वारा लंगर साहब के बिल्कुल सामने हैं। फिर असी अगले दिन सचखंड श्री हजूर साहब दर्शन करने ले गए। फिर असी गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने तो बाद फिर असी मार्केट में आ गए। तुहानू तां पता ही है कि जो बच्चे नाल हुंदे हन उन्हानू कुछ ना कुछ तो चाहिदा ही है। फिर असी खरीदो खरीदी करन लग पए। इत्थे हजूर साहब विच नारियल दा तेल बहुत मशहूर है। यह तेल कुकिंग दे विच भी वरत्या जाता है। असी जो भी हजूर साहब जाईदा है तो यह तेल जरूर लैके आईदा है। अगर तुहानू ये मेरी वीडियो पसंद आई होवे तो प्लीज़ सबसक्राइब लाइक शेयर जरूर करियो।